इन्वर्टर, ये डिजिटल इन्वर्टर है, इसके अंदर कोई फॉल्ट बता रहा है कस्टमर, लेके आया दुकान पे, तो इसको ठीक करना है। तो अब इसके बारे में बताने वाला हूँ किस तरह से इसका फॉल्ट चेक करेंगे, क्या दिक्कत इसके अंदर आ रखी है। कस्टमर बोल रहा है बीप मार रहा है और आउटपुट वगैरह कुछ नहीं दे रहा। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। एक बैटरी चाहिए हमें इन्वर्टर को चेक करने के लिए, साथ ही में एक डिजिटल मीटर चाहिए और स्क्रू ड्राइवर। तो चलिए इसको चेक करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को साइड में रख देंगे, डिजिटल मीटर को भी साइड में रख देंगे और इसका ढक्कन खोलेंगे। सबसे पहले चारों स्क्रू खोल लिए हैं और इसका हमने हटा दिया है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे मॉस्फेट बोर्ड लगा हुआ है, ये मॉस्फेट बोर्ड लगा हुआ है और ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बेसिकली ये ट्रांसफार्मर एलुमिनियम में है, क्योंकि इसलिए इस तरह से इसको फ्लैट करके लगाया हुआ है और इसमें स्ट्रिप जो है काफ़ी मोटी दिखाई पड़ रही है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि ये ट्रांसफार्मर एलुमिनियम का है। दूसरा यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे मॉस्फेट लगे हुए हैं इसके अंदर P55। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये दोनों बैटरी जो अपनी बैटरी लेंगे, बैटरी को रखेंगे और बैटरी के सबसे पहले वोल्टेज को चेक करेंगे। बैटरी में 10 से ऊपर वोल्टेज होना ही चाहिए। तो मैंने मीटर वोल्टेज पे चालू करके रख लिया है, ये 10.48-10.38 वोल्टेज हमको बैटरी दे रही है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी का और इन्वर्टर का पॉजिटिव साइड पर कस लेंगे टर्मिनल पे। ठीक है, बैटरी के तो इस स्क्रू को खोल लेंगे, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे और ये यहाँ पे कस देंगे हम लोग। तो बैटरी अब इन्वर्टर पे बैटरी कस चुकी है और अब इन्वर्टर का जो है ये है करंट का पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोर्ड पे अटैच करेंगे और स्विच को चालू कर देंगे। तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है इस पे मेंस ऑन। ठीक है, और मेंस ऑन के साथ में एक फ्यूज ब्लो की लाइट जल रही है। तो फ्यूज ब्लो वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्यूज को चेक करेंगे। तो फ्यूज को चेक करने के लिए पीछे यहाँ पे फ्यूज दे रखा है इन्होंने, ये इसको खोलेंगे और देखेंगे क्या है, फ्यूज उड़ा तो नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फ्यूज है ये उड़ चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। अब सबसे पहले हम लोगों को इसमें ये अच्छी क्वालिटी का 10 एम्पेयर का फ्यूज इसके अंदर डालना होगा। आप देख सकते हैं ये फ्यूज पूरे 6 एम्पेयर का है, लेकिन हम इसमें 10 एम्पेयर का अब फ्यूज डालने वाले हैं। तो इसको साइड में रख देंगे और फटाक से फ्यूज लेके आते हैं। ये है फ्यूज 10 एम्पेयर का। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूज है अपने पास में, जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको पीछे इन्वर्टर के लगाते हैं, फिर देखते हैं फ्यूज़ ब्लो की बत्ती बुझती है या जलती रहती है। हमने फ्यूज़ को इसके अंदर डाल दिया और ये कस दिया। देखिए यहाँ पे फ्यूज़ ब्लो की बत्ती जो है पूरी तरह से फ्यूज़ ब्लो की बत्ती जो है बंद हो गई और मेंस की बत्ती जल रही है। ये मेंस की बत्ती जल रही है, फ्यूज़ ब्लो की बत्ती बंद हो गई है और ये इन्वर्टर का स्विच हमने कर दिया ऑन। जैसे हम इधर से लाइट काटते हैं ये इन्वर्टर चला, लो बैटरी कंडीशन आ गया और ये हमने मेंस चालू करी
शायद ये चार्जिंग नहीं कर पा रहा है बैटरी को, क्योंकि इसकी एम्पेयर बहुत कम है बैटरी के। और इसको चेक करने के लिए हमने मीटर यहाँ पर रख लिया है चार्जिंग को चेक करने के लिए। ओह देखो चार्जिंग की बत्ती जल गई, यानी कि बैटरी को चार्ज भी कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि हमारा इन्वर्टर एकदम ठीक है। बैटरी के अंदर आप देख पा रहे होंगे 13 वोल्टेज है। अब जैसे ही मैं लाइट को कट करता हूँ, 1 2 3 ये लाइट कटी, वोल्टेज 9 तक ड्रॉप हुए, 10 वोल्टेज पे आ गया बैटरी, लो बैटरी कंडीशन आ गया। और अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो ये मेंस लेगा, सबसे पहले मेंस ले लिया और बैटरी को चार्ज भी करने लग गया। 14 वोल्टेज बैटरी के अंदर शो कर रहे हैं। ये जो मीटर लगा रखा है मैंने, वोल्टीमीटर बैटरी के टर्मिनल्स पे लगा रखा है। अब यहाँ पे एक बत्ती जलेगी चार्जिंग की, इसका मतलब हमारे इन्वर्टर के अंदर सिर्फ फ्यूज का फॉल्ट था, इन्वर्टर एकदम ओके है। ये चार्जिंग की बत्ती जल गई है, यानी कि ये इन्वर्टर एकदम ओके, यानी कि इन्वर्टर एकदम रनिंग कंडीशन में है और ये इन्वर्टर एकदम ठीक है, इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। जो फ्यूज़ का फॉल्ट था, फ्यूज़ ब्लो था, फ्यूज़ हमने इसका नया डाल दिया। तो इस तरह से आप इन्वर्टर को बेसिकली चेक कर सकते हैं, पर पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव लगाएं बैटरी के, नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव पर लगाएं। और ज़्यादा अच्छा रहता है बैटरी इन्वर्टर को चेक करने के लिए बैटरी थोड़ी सी ख़राब हो। अगर एकदम ठीक बैटरी पर आप इन्वर्टर को लगाते हैं तो आपको लो बैटरी का इंडिकेशन नहीं पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी सही बैटरी को डिस्चार्ज होने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो हल्की बैटरी ख़राब हो ज़्यादा अच्छा है, और हल्की बैटरी ख़राब हो तो आपको चार्जिंग कटआउट का पता लग जाता है, चार्जिंग का पता लग जाता है। तो अगर आपको इन्वर्टर चेक करना है तो थोड़ी आपकी बैटरी ख़राब होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। ये थी इन्वर्टर की टेस्टिंग। आगे किसी और नए एक्सपेरिमेंट के साथ में कुछ और नई चीज़ बताते हुए आपको मुलाकात करेंगे आपसे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।